हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर के टर्मिनल से जुड़ी कुछ समस्याओं को, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या समस्या हुई थी और किस प्रकार से इसको निदान किया गया है और समस्या से कैसे बचा जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर जब हम नया खरीदते हैं तो हमें प्रोब कुछ इस प्रकार से इसका टर्मिनल मिलता है, जिसकी सहायता से हम इसको मल्टीमीटर को इनपुट देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह प्रोब ढीला होता है और यह गोल गोल जो कि घूम जाता है, दोनों प्रोब ढीला है। तो इसमें क्या करना है कि आप जब कभी भी खरीदें तो क्या करना है कि इसमें आप जो है कि यहाँ आप ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दें। ग्लू लगा के फिक्स करने से क्या होगा, आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है कि प्रोब हमारा जो है कि टूट गया था, और टूटने का मेन कारण था जो है कि इसका गोल गोल घूमना, और गोल गोल घूमने की वजह से यह जो है कि प्रोब यहाँ से टूट गया था। और टूटने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसको सोल्डिंग किया गया, और सोल्डिंग करते वक्त ये जो है कि आगे का ये जो रेड वाला प्लास्टिक है ये पिघल गया था और इसका आकार बदल गया था। आकार बदलने के बाद इसको बहुत ज़्यादा घिसा गया, उसके बाद भी ये अच्छे तरीके से फिट इसमें नहीं बैठ पाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर की ओर निकला हुआ है। और सेम टू सेम वही चीज़ इसमें भी हुआ है, और आप देख सकते हैं ब्लैक वाले को, इसका भी प्रोब जो है कि उसी वजह से टूट गया था, गोल गोल घूमने की वजह से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको भी सोल्डिंग करते समय ये हीट हुआ था, और इसका भी ये जो है कि ब्लैक वाला जो है कि थोड़ा जो है कि डिस्टर्ब हो गया है, इसका साइज़ गड़बड़ हो गया है, और ये भी इसमें अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाता है। तो इसको भी घिसा गया है और जो है कि थोड़ा जोर दबाव डाल के बैठाया गया है, लेकिन यह अच्छे तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। आप जब भी मल्टीमीटर खरीदेंगे तो ये जो आपको काला दिख रहा है ये संपूर्ण तरीके से अंदर रहेगा और अच्छे तरीके से बैठा रहेगा। तो आप इसको टूटने से बचाने के लिए यहाँ आप जो है कि ज़रूर जो है कि थोड़ा सा ग्लू लगा दें। दोनों टर्मिनल पे आप यहाँ ग्लू लगा देंगे तो आपका क्या होगा कि वायर इस तरीके से गोल गोल नहीं घूमेगा, जैसे इस तरीके से गोल गोल नहीं घूमेगा वायर आपका, तो आपका वायर ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीमीटर के टर्मिनल को बचा सकते हैं, वरना अगर आपका टर्मिनल टूट जाएगा तो आपको सोल्डिंग करना पड़ेगा। और सोल्डिंग करते वक्त क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ जो आगे का लगा हुआ जो प्लास्टिक होता है वो पिघल कर अपना आकार बदल देता है, और आकार बदलने के बाद बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इसमें फिटिंग करने में, उसको काफ़ी घिसा जाता है। लेकिन ये घिसने के बाद भी उस तरीके से जैसे हमें कंपनी फिटेड मिलता है अच्छे तरीके से, उस तरीके से हम इसको नहीं बैठा पाते हैं, और प्रोब टेढ़ा हो जाता है, और कहीं भी काम करते वक्त ये ऑटोमेटिक अपने तरीके से ढीला होने की वजह से हिलने लगता है, या फिर खुल जाता है, या फिर बाहर निकल जाता है, ऐसी समस्या आती है। और इस समस्या को बचने का एक ही उपाय है कि आप जब भी मल्टीमीटर खरीदें तब भी आप इसके प्रोब के पास दोनों जगह ग्लू लगा दें, ताकि क्या होगा कि इससे आपका वायर फिक्स रहेगा और घूमने की वजह से टूटेगा नहीं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।